भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार माघ माह में गुरु पुष्य का एक बड़ा महासंयोग निर्मित हो रहा है और यह महासंयोग बड़ा ही शुभ फलदायी रहेगा। इस महासंयोग के कारण इन 8 राशि वालों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है, इनको धन लाभ होगा। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार से जो है यह योग महासंयोग फलदायी सिद्ध होगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है, सभी नक्षत्रों का राजा पुष्य को माना गया है और पुष्य नक्षत्र जो कि नक्षत्र श्रृंखला में 8वां नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि ग्रह और इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जो भी शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं वो अत्यंत शुभ फलदायी प्रदान करते हैं। क्योंकि गुरु का जो है शुभत्व तथा शनि का स्थायित्व इस नक्षत्र के साथ में सम्मिलित होता है और जब वार के हिसाब से अलग अलग वारों में नक्षत्र आते हैं तो उनका अलग अलग परिणाम भी प्राप्त होता है तथा अलग अलग जो है इसमें सिद्धि साधना उपाय संपन्न किए जा सकते हैं। क्योंकि गुरुवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र आता है उसे गुरु पुष्य महासंयोग कहा जाता है और गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आएगा तो वह अमृत सिद्धि नामक योग निर्मित हो जाएगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग भी इसे कहा जाएगा और इस नक्षत्र को तिष्य और अमृतज्य भी कहा जाता है, यानी प्रत्येक कार्यों में सफलता को प्रदान करने वाला होता है। विवाह को छोड़ करके अन्य सारे मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में यदि आप संपन्न करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी और आप निरंतर जो है आगे बढ़ेंगे। चूंकि पुष्य नक्षत्र जो है बड़ा दुर्लभ नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र का सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार यदि हम देखें तो इस नक्षत्र में जो है चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजित रहेंगे, यानी चंद्रमा अपनी स्वराशि में जब रहेंगे तो निश्चित तौर से कई राशियों को अद्भुत और अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने लगेंगे और इस नक्षत्र में यदि आप शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं, जैसे आपका यदि भूमि भवन वाहन खरीदी का विचार है तो आपको इस नक्षत्र में इन कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन यदि आप नए आभूषण खरीदेंगे, नए वस्तु का खरीदारी करेंगे या कोई भी नई वस्तु यदि आप घर लाएंगे तो निश्चित तौर से वह आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगी और आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति प्राप्त होगी। तो भूमि भवन वाहन और नया पदभार ग्रहण करने के लिए गुरु पुष्य योग को सर्वोत्तम माना गया है और इस नक्षत्र में यदि आप कोई उपाय करते हैं, जैसे सिद्धि साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या कोई भी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयोजन करते हैं तो निश्चित तौर से वह कार्य आपका सफल होगा। इस बार पुष्य नक्षत्र जो आ रहा है वो 24 फरवरी बुधवार को दोपहर 1:14 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 25 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन दोपहर 1:15 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। क्योंकि सूर्योदय जो होगा पुष्य नक्षत्र का वह गुरुवार को होगा, इसलिए गुरुवार के दिन सूर्योदय व्यापिनी जो है पुष्य नक्षत्र रहेगा और उस दिन गुरुवार भी है, तो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने से पूरे दिन पुष्य नक्षत्र माना जाएगा। वैसे तो पुष्य नक्षत्र का जो सही समय है वो गुरुवार के दिन दोपहर 1:15 तक रहेगा, लेकिन सूर्योदय में जो नक्षत्र होता है उसे पूरे दिन माना जाता है, यानी वह पूरा दिन ही अपने आप में सिद्धिदायक तथा उन्नतिदायक रहेगा और इस नक्षत्र में यदि आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, जैसे घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न यदि आप करने जा रहे हैं तो सबसे अच्छा दिन है
25 फरवरी 2021 नए व्यापार का शुभारंभ आप कर सकते हैं, नया पदभार आप ग्रहण कर सकते हैं, नए मकान की, नए भवन की नींव भी आप इस दिन रख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई अनुबंध आपको करना है या रजिस्ट्री कोई करवाना है या कोई भी ऐसा काम करना है जिसके लिए आप बहुत दिनों से मुहूर्त देख रहे हैं, तो आपको 25 फरवरी 2021 ही एक सर्वोत्तम दिन है। इस दिन समस्त शुभ कार्यों को संपन्न करना चाहिए और इस दिन गुरुवार के दिन गुरु पुष्य का महासंयोग निर्मित हो रहा है। वैसे तो पूरा दिन ही अपने आप में सर्वोत्तम माना जाएगा, लेकिन यदि आप गुरु पुष्य का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको दोपहर 1:15 के पहले पहले गुरु पुष्य के समस्त कार्य, उपाय, विधि विधान, सिद्धि साधना आदि संपन्न कर लेना चाहिए। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि गुरु पुष्य में यदि कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से वह अनंत गुना सिद्धिदायक होता है। जैसे आप माता महालक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप माता महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ओम रिम इस महामंत्र का यदि आप 1 माला या 5 माला 11 माला 21 माला मंत्र जाप करें तो निश्चित तौर से आपको अद्भुत सिद्धि प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि आप कच्चा दूध में केसर मिला करके भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करेंगे या उनको दूध की धारा लगाएंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। गुरु पुष्य योग में यदि शहद की शीशी में कोई भी मनुष्य भोज पत्र के ऊपर या सफेद पेपर के ऊपर लाल स्याही से अमुक व्यक्ति का नाम लिख करके उसको शहद में डुबो देता है तो वह व्यक्ति इच्छा अनुसार कार्य करता है, इससे वशीकरण की जो है सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा गुरु पुष्य योग में यदि आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उस दिन जो है पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। नहाने के पानी में हल्दी तथा केसर का उपयोग आपको करना चाहिए और इस दिन पीला चंदन का तिलक लगा करके और माता महालक्ष्मी को पीली वस्तु चढ़ाना चाहिए, यानी चावल को हल्दी या केसर में पीले करके माता महालक्ष्मी और नारायण को अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में सुख आए, समृद्धि आए, वैभव आए तो आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी के स्वस्तिक निर्मित कर देना चाहिए। स्वस्तिक का अर्थ होता है सांतिया बनाना। स्वस्तिक का चिन्ह पुष्य नक्षत्र में बनाना अत्यंत ही कल्याणकारी माना गया है। इसके अलावा आप अपने जो बैठक रूम है जहां पर आपके अतिथि आते हैं, आपसे मिलने जुलने आते हैं, उस कक्ष में भी आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए और पुष्य नक्षत्र में सभी कमरों में आपको स्वस्तिक का चिन्ह निर्मित कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि पुष्य नक्षत्र में गाय को गुड़ और चने की दाल यदि कोई मनुष्य खिला देता है तो वो अपने समस्त पूर्वजों को तृप्त कर देता है। इसके अलावा सारे देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु पुष्य योग में यदि आप गंगा जल में केसर मिला करके अपने पूरे घर में छिड़क देंगे तो आपके घर से अला बला हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके घर में माता महालक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन दौलत की प्राप्ति हो तो आपको उस दिन चावल की खीर बनाना चाहिए और उसमें केसर डाल करके उसको भगवान नारायण को भोग लगाने के बाद परिवार के प्रत्येक सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके घर में निश्चित तौर से अपार लक्ष्मी की वर्षा होने लगेगी और आपके घर में धन की, रुपये पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख आए, आपके घर में सभी लोग जो है धन अर्जित करके और घर की उन्नति करें, सभी लोग प्रेम पूर्वक रहे, उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े, और यदि कोई बेरोजगार है और उनका रोजगार आप उन्हें प्राप्त करवाना चाहते हैं, यानी नौकरी या व्यापार वो शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके कार्यों में बहुत बाधाएं उनको उत्पन्न हो रही है तो इनको जो है पीले चावल हल्दी या केसर में करके और उन पीले चावल को
पक्षियों को डालना चाहिए। जनिए विशेष करके चिड़ियां को या कोई भी पक्षियों को यदि आप पीले चावल हल्दी में करके डालेंगे, उनको खिलाएंगे, तो निश्चित तौर से आपके घर में सभी लोग जो है रोजगार को प्राप्त कर सकेंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा और आपकी कीर्ति का विस्तार होगा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपका सुख बढ़ेगा, वैभव आएगा, धन समृद्धि आपकी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, अविवाहित है, बहुत दिनों से विवाह की इच्छा कर रहा है, तो उनको इस दिन जो है प्रातः काल जल्दी उठ करके हल्दी और केसर वाले जल से स्नान करना चाहिए और कोई भी पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद एक पीले कपड़े में चने की दाल, गुड़ और एक पीला फल या फिर केले का फल रख करके किसी भी ब्राह्मण को, साधु संत को या मंदिर में दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से उनका शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा गुरु पुष्य, चूंकि गुरुवार के दिन है और इस दिन यदि आप गुरुवार का व्रत करके भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, तो आपके घर की समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहेगी। और यदि आप रोगों से परेशान है, शत्रुओं से परेशान है, तो गुरु पुष्य योग में आपको काले तिल में सरसों का तेल मिला करके गौ माता को यानी गाय को या फिर भैंस को खिलाना चाहिए। यदि संभव हो तो काली गाय को यदि आप खिला देंगे तो निश्चित तौर से आपके समस्त शत्रुओं का शमन हो जाएगा, यानी आपके सारे शत्रु जो है आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे। इसके अलावा आपके रोग भी समाप्त हो जाएंगे। गुरु पुष्य योग में जो मनुष्य भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में करके कोई भी पीली वस्तु चढ़ा देता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसके भाग्य का उदय हो जाता है। और यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो आपको गुरु पुष्य योग में जो है पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज पीले रंग का होता है और पीला पुखराज सोने में या फिर अष्ट धातु में बनवा करके उनको धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली के बृहस्पति जो है पावरफुल होंगे और आपके भाग्य का उदय होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। और यदि आपके घर में संतान की इच्छा है, यदि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप संतान प्राप्ति के लिए भी गुरु पुष्य योग में उपाय कर सकते हैं। बस उपाय में करना यह है आपको कि केसर युक्त दूध अच्छी प्रकार से तैयार करना है और उस केसर युक्त मीठे दूध को भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना है। उसके बाद उस केसर युक्त दूध को आधा आधा पति पत्नी दोनों को पी लेना चाहिए। इस उपाय को आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब आप उपाय करें तो भगवान बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का मन में स्मरण करते रहें। ऐसा करने से निश्चित तौर से आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। यदि आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की उन्नति हो, प्रगति हो और वो जो है अच्छी सफलता को प्राप्त करे और सारी परीक्षाओं में उनको सफलता प्राप्त हो, तो निश्चित तौर से आपको जो है उस दिन उपाय के रूप में करना यह है कि उनके हाथों से आपको भगवान विष्णु जी को कोई भी पीली वस्तु अर्पित करवा देना है। जैसे आप हल्दी चढ़वा सकते हैं, केसर चढ़वा सकते हैं और जो चढ़ी हुई केसर या हल्दी हो उनका तिलक और गले में थोड़ी सी एक टीकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, बच्चों या बच्चियों को आपको लगा देना चाहिए। ऐसा करने से उनकी बुद्धि तीव्र होगी और उनको समस्त परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु पुष्य योग बड़ा ही दुर्लभ संयोग है
और 25 फरवरी को जब गुरु पुष योग होगा तो चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजित रहेंगे। जब चंद्रमा अपनी स्वराशि में विराजित रहते हैं तो इसका परिणाम जो है कई राशियों को देखने को मिलेगा, लेकिन विशेष तौर से यदि हम बात करें तो इन 8 राशि वालों के लिए यह ग्रह योग सबसे अति उत्तम रहने वाला है। ये 8 राशियों को अलग अलग परिणाम प्रदान करने वाला है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 12 राशि वालों के ऊपर इस घटनाक्रम का क्या असर होगा, क्योंकि यत् पिंडे तद् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तद् पिंडे, यानी ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका इस पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्य ही प्रभाव होता है। अच्छा या बुरा, दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजित हो जाएंगे और इस दिन पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। 27 नक्षत्रों के भ्रमण से ही इस संसार की गति का संचालन होता है और मनुष्य के प्रत्येक कार्य मन के द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे में मन के कारक चंद्रमा जो कि अपनी स्वराशि कर्क में विराजित रहेंगे तो निश्चित तौर से 12 राशियों को अलग अलग रूप से परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है उनको चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। चतुर्थ भाव माता का स्थान माना जाता है। इसके अलावा जितने प्रकार के सुख होते हैं, भौतिक सुख होते हैं, जैसे घर का सुख या वाहन का सुख, वह भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं उनको भवन का सुख प्राप्त होगा, इसके अलावा माता का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख भी इनको प्राप्त हो सकता है, यानी नया वाहन भी ये खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगली जो राशि आती है वो आएगी वृषभ राशि। वृषभ राशि में तृतीय स्थान में चंद्रमा विराजित रहेंगे। तृतीय स्थान भाई बंधुओं का होता है, पराक्रम का होता है। तो इन जो है वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनके लिए भाई बंधुओं का सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा इनका पराक्रम भी बढ़ेगा, लेकिन इनके लिए प्रायः सामान्य स्थिति ही निर्मित होती रहेगी। और उसके बाद अगली जो राशि आएगी तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को द्वितीय स्थान में चंद्रमा रहेगा। द्वितीय स्थान धन का स्थान माना जाता है, यानी धन संग्रह की स्थिति इन ग्रह योग के कारण निर्मित हो रही है। धन लाभ इनको होगा और अकस्मात इनके धन संग्रह में वृद्धि होने का योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि आएगी वो होगी कर्क राशि। कर्क राशि वालों को पहला चंद्रमा रहेगा और पहला भाव शरीर का होता है, तो इनका शरीर का आकर्षण बढ़ेगा, इनका सौंदर्य बढ़ेगा। इसके अलावा इनका जो है प्रभाव लोगों के ऊपर बढ़ने लगेगा। और इसके बाद जो अगली राशि आएगी वो सिंह राशि होगी। तो सिंह राशि वालों को चंद्रमा बारवा होने के कारण खर्च की अधिकता हो सकती है, लेकिन ये जो खर्च करेंगे उसके दूरगामी अच्छे परिणाम इनको प्राप्त होंगे और भूमि भवन वाहन संबंधी खर्च इनके माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा अगली जो राशि आएगी वो होगी कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों को 11वां चंद्रमा होने के कारण इनके आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं, यानी इनकी आमदनी जो है 1 से अधिक होने वाली है। आमदनी के स्रोत बढ़ सकते हैं, जैसे नौकरी इनको प्राप्त हो सकती है या व्यापार से इनको अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने लगेंगे, यानी इनको आय बढ़ने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि होगी वो होगी तुला राशि। तुला राशि वालों को नया रोजगार प्राप्त हो सकता है, पदोन्नति इनकी हो सकती है। बहुत दिनों से किसी नौकरी को पाने की यदि तुला राशि वालों की इच्छा है तो वह इनकी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा तुला राशि वाले यदि नौकरी में है तो पदोन्नति इनकी हो सकती है। यदि व्यापार करने का सोच रहे हैं तो इनका नया व्यापार भी शुभारंभ हो सकता है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में इनको अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसके बाद अगली जो राशि आ रही है वो होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को नवम भाव में चंद्रमा विराजित रहेंगे। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है। तो नवम भाव में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों को रहेंगे तो इनको भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में उनकी
रुचि बढ़ने लगेगी। इसके अलावा धार्मिक यात्रा पर भी ये जा सकते हैं। घूमने फिरने मनोरंजन के अवसर भी इनको प्राप्त होंगे। बहुत दिनों से अटका हुआ रुका हुआ काम भी इनका शुरू हो जाएगा। इसके बाद आती है धनुराशि। धनुराशि वालों को अष्टम भाव में स्वराशि के चंद्रमा विराजित रहेंगे। हालांकि अष्टम भाव जो है अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन स्वराशि के चंद्रमा विराजित होने के कारण इनके स्वास्थ्य में इनको लाभ मिलेगा, आयु वृद्धि के योग बनेंगे। इसके अलावा इनको जो है अदृश्य रूप से कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं, यानी गुप्त धन की भी इनको प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ऐसे कई इनको लाभ मिलेंगे जिनके बारे में इनको पहले से पता नहीं था। इसके अलावा विदेश से संबंधित लाभ इनको मिलेंगे और विदेश यात्रा का भी इनका योग बन सकता है। इसके बाद अगली जो राशि आ रही है वो है मकर राशि। मकर राशि को सप्तम भाव में कर्क राशि के चंद्रमा यानी स्वराशि के चंद्रमा विराजित रहेंगे। तो मकर राशि को सातवां चंद्रमा होने के कारण पत्नी से लाभ प्राप्त होगा। यदि अविवाहित है तो विवाह का योग बन सकता है और इनके पार्टनर के माध्यम से भी इनको लाभ मिलने का योग बन रहा है। और इसके बाद अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि को छठे भाव में स्वराशि के चंद्रमा विराजित रहेंगे। इसके कारण इनके रोग जो है समाप्त हो जाएंगे। शत्रुओं का शमन तथा दमन होगा। इनके शत्रु इनसे मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। इसके बाद अगली राशि होगी मीन राशि। मीन राशि वालों की संतान की उन्नति हो सकती है, संतान से इनको फायदा हो सकता है। संतान संबंधी कोई काम यदि रुका हुआ है अटका हुआ है तो यह भी इनका पूर्ण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों को संतान संबंधी कार्यों में अपेक्षित परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु पुष्य योग का यदि आप पूरा पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस दिन अपने घर में एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए और उनके पूजन में विशेष रूप से केसर युक्त जल का उपयोग करें तथा उनको हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं और पीले फूल उनको चढ़ाएं और पीले चंदन का जो है तिलक उनको लगाएं। इसके अलावा तुलसी पत्र उनको चढ़ाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण को पीली मीठी मिठाई चढ़ाएं, यानी बेसन से बनी मिठाई या कोई भी पीली मिठाई इनको अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन का जो है सभी दुख और संकट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इनकी जब आप आरती करें तो गाय के घी के दीपक से इनकी आरती करें और यदि गाय का घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध घी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उस दीपक की बत्ती प्रज्वलित करके उससे आरती करें और उसके बाद में घर के परिवार के प्रत्येक सदस्यों को जो पीली मिठाई या पीली वस्तु या पीला फल इनको अर्पित किया गया है उसका प्रसाद आपको बांटना चाहिए। और इस दिन पहनने में आपको पीले वस्त्र का उपयोग करना है, नहाने में पीली चीज का उपयोग करना है, यानी हल्दी अथवा चंदन या केसर या कोई भी पीली वस्तु का नहाने में उपयोग करना चाहिए और भोजन के रूप में पीली वस्तु का उपयोग करना चाहिए। जैसे चने की दाल से बनी वस्तुओं का उपयोग करें, पीले फल का उपयोग करें और इस दिन ब्राह्मण को आप पीली वस्तु दान अवश्य करें। यदि आप पीली वस्तु दान नहीं कर सकते हैं तो आप उसके निमित्त ब्राह्मण को कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा या दान पुण्य के रूप में नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं। तो यदि आप अपने जीवन की समस्याओं के लिए पुष्य नक्षत्र में कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं तो आप हमसे इस हेतु संपर्क कर सकते हैं। हम आपके नाम तथा गोत्र से पुष्य नक्षत्र में आपके निमित्त पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना अथवा उपाय संपन्न करेंगे जिसका पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप गुरु पुष्य नक्षत्र के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या हमारे बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके गुरु पुष्य का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।